नमस्कार। कर्मा फाउंडेशन की ओर से इस कोरोना की महामारी के वक्त एक संदेश जो हम आपको देना चाहते हैं, वो संदेश दो भाग में विभाजित है। एक जो है उसमें वी आर गोइंग टू नो कि क्या क्या प्रिवेंटिव मेजर्स हम ले सकते हैं अपने आप को कोरोना से बचाने के लिए, और दूसरा जो पार्ट है दैट इज़ हाउ टू मैनेज आवर इमोशनल वेलनेस वाइल बीइंग इन सच अ लॉकडाउन और इन सच अ कर्फ्यू कंडीशन। सो सबसे पहली बात, अपने आप को कोरोना से बचाने के लिए व्हाट यू नीड टू डू इज़ एज वी ऑल नो, एक बात सोशल डिस्टेंसिंग, यानी कि हो सके वहाँ तक औरों से फिजिकल संपर्क, फिजिकल जो कॉन्टैक्ट है उसको हो सके उतना कम किया जाए। दूसरी बात, एज वी ऑल नो वी नीड टू मेंटेन द बेसिक रेस्पिरेटरी हाइजीन, यानी कि खांसने से पहले या सर्दी जुकाम से पहले या तो अपनी कोहनी के पार्ट का उपयोग करें और या तो अपने पास रहे हैंडकरचीफ का यानी कि रुमाल का प्रयोग करें। तीसरी बात कि अगर आपको जरा भी सर्दी जुकाम या ऐसा कुछ भी है तो मेक श्योर कि आप उसके लिए ज़रूरी जो दवाइयां हैं वो रखें, और या तो वो लें या तो डॉक्टर को तुरंत बताएं, उसको सिर्फ टेकन फॉर ग्रांटेड ना लें। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज इफ़ यू हैव ट्रैवल्ड फ्रॉम एनी पार्ट अक्रॉस द इंडिया नाउ प्लीज़ नॉट, अब ये सिर्फ और सिर्फ विदेश से आए हुए लोगों तक सीमित नहीं है क्योंकि अब ये इंडिया में भी इंटर स्टेट स्प्रेड हो सकता है, इंटर सिटी भी स्प्रेड हो सकता है। तो अगर आपने कोई भी जगह से ट्रैवल किया है तो उसमें आप अपने आप को, अगर ट्रैवल किया है तो अपने आप को खुद से समझ के क्वारंटाइन रखें, क्वारंटाइन यानी कि औरों से अलग रखें, हो सके वहाँ तक औरों का कॉन्टैक्ट अवॉइड करें। बहुत ही कंफर्टेबली आप अपने फ्रेंड से, दोस्तों से या तो रिलेटिव से बोल सकते हैं कि दोस्त जस्ट दो दिन बाद मिलते हैं, अभी आप मुझसे मत मिलो, यानी कि जस्ट 10 दिन बाद मिलते हैं, मुझसे अभी आप मत मिलो। इस प्रकार से आप हल्का सा इस कोरोना वायरस की इफ़ेक्ट से हम दूर जाएं, तब तक आप इस प्रकार से अपने आप को क्वारंटाइंड बनाए रख सकते हैं। तो ये एक जो बात है ये इम्पोर्टेंट सबसे बात है। अलोंग विद दैट यू ऑल नो, वी ऑल नो कि सैनिटाइज़र या साबुन का इस तरह से उपयोग करते रहें ताकि आपके जो हाथ हैं वो हमेशा साफ रहे, और अगर ज़रूरत पड़े तो मास्क का उपयोग कर सकते हैं। मास्क इज़ नॉट वेरी मैंडेटरी, पर हाँ, क्योंकि कपड़ों में वायरस अगर एंटेंगल्ड हो गया तो उसकी जो लाइफ है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी, तो मास्क भी हेल्पफुल हो सकता है। पर ऐसा नहीं है कि मास्क एक बार पहन लिया या एक बार आपने कुछ सैनिटाइज़र दिन में 50 बार यूज़ कर लिया तो अब आपको कोरोना कुछ नहीं सकता, तो उसको स्टॉक कर लो, उसके साथ रहने लगो, सुबह शाम उसको खाने लगो, पीने लगो। डोंट वरी, डू नॉट गेट पैनिक, मेक श्योर दैट अगर आप दूसरों से कॉन्टेक्ट कम कर रहे हैं और अगर आप अपने आप को क्वारंटाइन रख रहे हैं तो आपको कोरोना होने की संभावना बहुत ही कम है। तो स्टे एट होम, स्टे सेफ, दिस इज अ पार्ट ऑफ अ मैसेज फ्रॉम द डायमेंशन ऑफ कर्मा फाउंडेशन। और अब रही बात दूसरी, दैट इज स्टे योर सेल्फ अवेक और अवे फ्रॉम द पैनिक पार्ट ऑफ द कोरोना। खास करके क्योंकि हम लोग अगेंस्ट डिप्रेशन जब भी काम करते हैं, हमने देखा है कि फिजिकल डिजीजेज से लगा हुआ डर या इन्फेक्शियस डिजीजेज का डर कई लोगों में एक प्रकार का डिप्रेशन पैदा करता है। ऐसा ही डर हमने कभी कभी स्वाइन फ्लू में भी देखा था, ऐसा ही डर हमने कभी कभी डेंगू में भी देखा है। तो मेक श्योर कि इस प्रकार से डरने की कोई गुंजाइश नहीं है, हम लोग ऑलरेडी अलर्ट हैं, आप ऑलरेडी सेफ रहने का प्रयत्न कर रहे हैं, और अल्टीमेटली द बेस्ट पार्ट इज़, हालांकि ये बहुत इन्फेक्शियस है तो लाइटली नहीं ले सकते, बट एट द सेम टाइम इसका मोर्टालिटी रेट इतना भी ज़्यादा नहीं है, इसका डेथ रेशियो इतना भी ज़्यादा नहीं है कि आप हर पल ऐसे डरें जैसे हम में से कोई मरने वाला है। सो मेक श्योर दिस इज़ अ फेज ऑफ अ विरुलेंस इन द वर्ल्ड, थोड़े से और दिन हमारी हाइजेनिसिटी की सही प्रैक्टिस और थोड़े से और दिन हमारा सोशल डिस्टेंसिंग से हम इस फेज़ को बहुत ही अच्छे से कवर कर सकेंगे। आज जब भी मैं ये बात संदेश पहुंचा रहा हूं, उसके एक दिन बाद जनता कर्फ्यू का भी भारत में डिक्लेरेशन हुआ है, तो आप उसको भी अच्छे से फॉलो करें। पूरे रविवार के दिन आप हो सके वहाँ तक या तो बिल्कुल ही अपने घर से बाहर ना निकले, और क्योंकि भारत में ऑलरेडी बहुत ही अच्छे खासे जो वेजिटेबल्स हैं, मिल्क हैं, वो सारे जो जीवन जरूरी चीज़ें हैं उसकी अच्छी खासी ऑलरेडी चीज़ें हैं आपके पास, तो डू नॉट गेट इनटू पैनिक,
गेट इन टच विथ योर डॉक्टर इफ एनी थिंग हैपेंस. होम्योपैथी आयुर्वेद जैसी चिकित्सा पद्धतियों से अगर आपको अपनी इम्यूनिटी को, प्रतिकारकता को और स्ट्रेंथन करने का मौका मिलता है तो आप वो भी ले सकते हैं. अगर आपके एलोपैथिक डॉक्टर आपको बोलते हैं कि अभी सर्दी जुकाम या बुखार के लिए ये दवाइयाँ ले लीजिए तो आप उससे वो भी कवर कर सकते हैं. और जो भी कुछ पॉजिटिव वाइब्स वाले जो भी चैनल्स अभी सक्रिय हैं, जैसे हीलिंग टेक्निक्स हैं, रेकी प्राणिक हीलिंग टाइप के हीलिंग शेयर्स, हीलिंग के द्वारा जो लोग पॉजिटिविटी को शेयर करना चाहते हैं उनसे भी आप जुड़ के अपने विल को अच्छे से बनाए रख सकते हैं. अबोव ऑल, ब्लेसिंग इन डिसगाइज एक बहुत ही अच्छी बात है. इससे आपको अपने घर पे रहने का मौका मिल रहा है, इससे आपको अपने परिवार के साथ रहने का मौका मिल रहा है. पूरा दिन मोबाइल को छोड़ के, टीवी को छोड़ के, अपने साथ, अपने स्पाउस के साथ, अपने बच्चों के साथ अच्छा खासा वक्त बिताइए. फिर से वो कैरम निकालिए जो आपने कई दिन पहले ऊपर रख दिया था, फिर से वो चेस बोर्ड निकालिए जो आपने कई वक्त पहले ऊपर रख दिया था, फिर से वो सांप सीढ़ी, वो स्नैक एंड लेडर की गेम निकालिए जिसको आपने कब से, बचपन से खेलनी छोड़ दी थी. एंड एन्जॉय योर सेल्फ, एन्जॉय अ काइंड ऑफ वंडरफुल फैमिली वेकेशन दैट इज ऑल्सो फ्री ऑफ कॉस्ट बिकॉज यू आर एट योर ओन होम. स्टे सेफ, टेक केयर, सून यू विल बी आउट ऑफ दिस. थैंक यू वेरी मच ऑन बिहाफ ऑफ कर्मा फाउंडेशन. दैट इज वॉट वी वॉन्टेड टू शेयर. हैव अ ग्रेट टाइम. गुड बाय.